काफ़ी जो चीज़ें हम लोग कहते थे और आज से नहीं कई सालों से कह रहे थे, तो लगता तो ऐसा है कि रिपोर्ट जो उन्होंने पब्लिश किया है कि वो सारी बातें सत्य लग रही हैं, और इन चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि इसको हम वकीलों से बात करेंगे, जांच कराई जाएगी कि अगर ऐसा है तो जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो करी जाएगी। कोई छोटा मोटा मामला 8,000 करोड़ रुपए और इन्फ्लेटेड बिल के जरिए कमाया गया है, यानी जनता को सीधे सीधे लूटा गया है पैसा बनाने के लिए। यही तो अरविंद केजरीवाल जी पिछले 2 साल से 2.5 साल से कह रहे हैं। उन्होंने यही कहा था कि देखिएगा जो डिस्कॉम्स हैं इनके सारा जो प्रक्रिया है, काम करने का तरीका है, क्योंकि उन्हीं के लोगों ने बताया था कि भाई ऐसा हो रहा है। वो तो सीएजी ने अगर रिपोर्ट बनाई है तो उसको कन्फर्म किया है, उन्होंने चेक किया है। आम आदमी पार्टी सरकार को 6 महीने हो गए, और अगर बिजली कंपनियों में गड़बड़ी है या बिजली कंपनियां आंकड़ों को फोर्ज करके दे रही हैं तो जिम्मेवारी किसकी है? सरकार जो आज बैठी है उस सरकार ने बिजली सस्ती क्यों नहीं की? उल्टा जो सब्सिडी जब सरकार नहीं बनी थी, लोगों को 400 यूनिट तक सबको बराबर सब्सिडी मिलती थी, और इस सरकार ने वो सब्सिडी अगर 401 यूनिट हो गया तो लोगों को उसका नुकसान हो गया। इसलिए आम आदमी का, आम कॉमन मैन का बिल लगभग 1,000, 2,000, 2,500, 3,000 तक बढ़ा है। तो इसकी चिंता, इसकी जिम्मेवारी सरकार की, सरकार को करनी चाहिए।